अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज के डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस में 29 सितंबर के एडिटोरियल एनालिसिस में हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन की, कनाडा इंडिया रिलेशंस की, और क्या रीजेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि चैट जीपीटी जैसे जो इश्यूज हैं क्या उनको रेगुलेशन की जरूरत है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट की कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये आज के आर्टिकल्स पे एक नज़र कि क्या क्या आर्टिकल्स आज के हमारे डीएनएम में जो हम कवर करने जा रहे हैं। तो डिटेल डिस्कशन रहेगा जैसा कि हमेशा रहता है हमारे डीएनएम में, अ माइलस्टोन इन द हिंदू मैरिज रिफॉर्म इन इंडिया। तो हिंदू मैरिज रिफॉर्म में तमिलनाडु में जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेज हो रही हैं, ठीक है, आत्मसम्मान मैरिजेज, उनको रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है, इसके ऊपर ही आर्टिकल है। देन इंडियाज किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट, इंडिया में हर साल किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, वो ज़्यादा है, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में जो उसकी पूर्ति हो पा रही है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो पा रही है, डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस दोनों में बहुत ज़्यादा है। ये आर्टिकल मैंने आपको बताया, शुड जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी रेगुलेटेड इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, सारे एडिटोरियल्स आज के डिस्कस होंगे क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंटली आज कुछ डिफरेंट एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर में आए हैं। अ माइलस्टोन इन हिंदू मैरिज रिफॉर्म इन इंडिया, जीएस मेंस पेपर वन के लिए रेलिवेंट रहेगा। देखो क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को काफ़ी बार रिमाइंड करवाया है, काफ़ी बार ये कहा है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेज हैं उनको आप रिकॉग्नाइज कीजिए, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्या है, सोशल इनजस्टिस को फाइट करने के लिए, ठीक है, इनको तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस को कहा जाता है, सुरा मरियथाई थिरुमन्नमम, राइट। माफ़ कीजिएगा, मैं तमिल नहीं हूँ, तमिल नहीं आती, लेकिन ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेज हैं ये क्या होता है, इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज क्या है, 1968 में एक एक्ट पास किया गया, हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967। तो ये जो संशोधन, ये जो अमेंडमेंट लाया गया, इसके तहत मॉडिफाई किया गया हिंदू मैरिज एक्ट को। अब ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये पूरे इंडिया के लिए है, राइट, एक्ट ऑफ 1955। इसमें एक सेक्शन 7A डाला गया जिसमें ये कहा गया सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस और सेक्युलर मैरिजेस, यानी कि बिना किसी धर्म, बिना किसी धार्मिक प्रथा के की गई जो शादियाँ हैं उनको भी वैध माना जाएगा, उनको भी वैलिड माना जाएगा, यानी कि जिनमें लोग नहीं होते, जिनमें बारात बैंड बाजा ये सब नहीं होता, पॉम्प एंड शो नहीं होता जिन मैरिजेज में, उनको भी वैलिड माना जाए, ठीक है। ये जो शादियां हैं इनको सोलेमनाइज, इनको किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और अदर पर्संस, इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रीस्ट, यानी कि कोई धर्म धार्मिक प्रथा के हिसाब से सात फेरे या वरमाला ये सब नहीं पहनाया जाता, विदाउट फॉलोइंग एनी क्विंटेसेंशियल वेडिंग रिचुअल्स सच एज होली फायर और मंगलसूत्र। तो ऐसी जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेज हैं बार बार मद्रास हाईकोर्ट उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। अभी की हाल फिलहाल की एक जजमेंट में मद्रास हाईकोर्ट ने इस केस में ये कहा कि चाहे वो सेल्फ मैरिज हो, अगर कोई मैरिज सीक्रेसी में करी जाएगी, यानी कि छुपा छपे करी गई है, अगर वो मैरिज पेरेंट्स को नहीं बताया गया उस शादी ब्याह के बारे में और लोगों को नहीं बताया गया, तो उसको पवित्र बंधन नहीं माना जाएगा, इट विल नॉट अमाउंट टू सोलेमनाइजेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 7 and 7A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो आपको ये बता दूं, ये जो अमेंडमेंट किया है हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट, जो लॉज होते हैं ना जिनमें कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम्स दे रखी होती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में जिसपे कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट, यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून जिसपे बना सकते हैं, उनको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गई आइटम्स के ऊपर कोई ऐसा ये नहीं रहता, समझ रहे हो, कि उसमें क्या होता है कि हिंदू मैरिज एक्ट को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी अमेंड किया है, तो उसके आगे लिख जाएगा हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ये जो अमेंडमेंट है ये सिर्फ तमिलनाडु पे ही एप्लीकेबल होगी। तो इस अमेंडमेंट के तहत 1968 में ये कह दिया गया कि ये जो सेक्युलर मैरिजेज हैं या सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेज हैं इनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है मद्रास हाईकोर्ट को कि आप ये जो बार बार गलती करते हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस को एंटरटेन नहीं करते हो, उनको लीगल नहीं मानते हो, आप ये गलती कर रहे हो। तो मद्रास हाई कोर्ट को 2 बार 3 बार 4 बार अब रिमाइंड करवाया गया है। पेटिशनर ने ये कहा है कि उन्होंने
ये जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की थी, ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने, लड़की के पेरेंट्स ने अपनी कस्टडी में रख लिया लड़की को, तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज का जो सर्टिफिकेट दिया गया है लॉयर के द्वारा वो इनवैलिड है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इलावर्सन की हैबियस कॉर्पस प्ली, जो हैबियस कॉर्पस प्ली होती है ना, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कहा जाता है कि उनकी बीवी को छुड़वाया जाए उनके पेरेंट्स के इनवैलिड या इलीगल डिटेंशन से, उसके लिए गुहार लगाई थी हस्बैंड ने। उन्होंने कहा हस्बैंड ने कि हम दोनों शादी कर चुके हैं और वाइफ को जो है पेरेंट्स जबरन बंद कर रहे हैं और शादी को नहीं मान रहे। तो ऐसे केस में जब मद्रास हाई कोर्ट में ये गए, मद्रास हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि ऐसी मैरिजेस डिसमिस नहीं होनी चाहिए, राइट, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का पार्ट हैं। तो 2014 में अपनी कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट को ये कहा था, मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि मैरिजेस परफॉर्म्ड बाय एडवोकेट्स आर इनवैलिड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस कैन नॉट बी सॉलिमनाइज्ड इन सीक्रेसी, यानी कि सीक्रेसी में बिना लोगों को बुलाए, रिश्तेदारों को बुलाए, पेरेंट्स के आशीर्वाद लिए बिना ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेज अगर करवाई जाएंगी तो इन्हें वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि ये मद्रास हाई कोर्ट गलती कर रहा है, और रेजिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज देखने को मिलता है, जुडिशियल मिसरिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के रिमाइंडर्स भी इस पे आ रहे हैं। कुमुलेटिव लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस को रिकग्नाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को नलीफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कहा है सीक्रेट मैरिजेस की सोलेमनाइजेशन को वैलिड माना जाए, उनको गलत ना माना जाए। ऑलराइट, तो पब्लिक सोलेमनाइजेशन यानी कि जनता के बीच में शादी को करना या कुछ इसको मैंडेटरी करना राइट टू लाइफ के अगेंस्ट माना जाएगा। हदिया जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था केरला के केस में कि हदिया हैज़ अ राइट टू चूज अ पार्टनर ऑफ हर ऑन ऑन चॉइस। पेरेंट्स जबकि इसको रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन हदिया के इस केस में भी आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा पूरा हक है। अब तुम लोग घर पे वॉल्यूम तेज करके इसको मत सुनने लग जाना, पेरेंट्स को सुनाने लग जाओ कि देखो हमारे यूपीएससी वाले सर भी यही कह रहे हैं, राइट, नहीं वो एक अलग बात है, ठीक। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ पढ़ाई की। नाउ जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड अरविंद कुमार ने, ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये कहा है कि ये जो जजमेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट की, ये गलत जजमेंट है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और कौन कौन सी ऐसी लॉज हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को रिकॉग्नाइज करती हैं? तो स्पेशल मैरिजेज एक्ट है। हम इस स्पेशल मैरिजेज एक्ट के बारे में फुल फ्लेजेड वे में किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, जिस दिन इसके ऊपर एडिटोरियल या आर्टिकल आएगा। अभी के लिए आप ये जान लो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेज आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर स्पेशल मैरिजेज एक्ट एंड हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967। ये जो एक्ट है ये अमेंड किया गया था, पार्लियामेंट ने इसको दोबारा से 1954 में पास किया था स्पेशल मैरिजेस एक्ट को, ठीक है। और इस एक्ट के अंडर पीपल ऑफ ऑल फेथ्स, स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंडर हिंदुओं के अलावा, मुस्लिम्स के अलावा, इवन कि इंडिया के जितने भी नागरिक हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ठीक है, क्रिश्चियन हो, जैन्स हो, बुद्धिस्ट हो, वो यदि चाहें तो इंटरफेथ मैरिज अगर कोई कर रहे हैं, अगर कोई दोनों समुदाय, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, तो वो स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंडर अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं, सोलेमनाइज करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम की। इंडिया में आप देखो कि कितनी ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। किडनी, एक किडनी एलमेंट जो है, डायलिसिस वगैरह हम आजकल काफ़ी सुनते हैं ना, तो किडनी एलमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि प्रेविलेंस ऑफ डायबिटीज़ की वजह से किडनीज ख़राब होती हैं, मैल नरिशमेंट की वजह से, ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन, देर इज़ अ हाई प्रेविलेंस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़, CKD इसको पॉपुलरली कहा जाता है, ठीक है, जो कि 17% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पे देखोगे 1,75,000 की डिमांड है किडनीज़ की, लेकिन इसके एवज में इन कंपैरिजन टू दिस 8,000 ही सप्लाई हो रही है, ठीक है। अभी आज हम सिर्फ किडनी की बात कर रहे हैं, सेम चीज़ को हम डिस्कस करेंगे जब कभी लीवर या हार्ट या लंग की बात होगी। तो ऑर्गन डोनेशन हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है। राइटर ने आज इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। राइटर ये कहते हैं कि
किडनी ट्रांसप्लांटेशन या किडनी डोनेशन इंडिया में कल्चर में रेगुलरिटी लीगैलिटी के कारणों के चलते काफ़ी लोग जो किडनी खराब होने की वजह से मौत को घाट चढ़ जाते हैं, राइट, मतलब उनको और कोई चारा नहीं बचता, किडनी की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। 2022 में 200,000 पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट चाहिए था, ठीक है, बट किडनी सिर्फ 7500 ही थी, 3.4%। तो ये जो अनमेट डिमांड है रिमेनिंग 96.6% की, इतने लोग क्या मारे जा रहे हैं? यस, इतने लोग किडनी ट्रीटमेंट ना होने की वजह से सूनर और लेटर दे हैव टू लूज देयर लाइफ। ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑफन लीड्स टू एंड स्टेज रीनल डिजीज। अ किडनी ट्रांसप्लांट इज ऑफन द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एंड स्टेज रीनल डिजीज। स्पेसिफिकली ट्रांसप्लांट जो है बेटर होता है बाकी के ऑल्टरनेटिव्स के कंपैरिजन में, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट कन्वीनियंस। ठीक है, अब जो लोगों की किडनी खराब होती है डायलिसिस वगैरह पे जो होते हैं उनको हर 2-3 दिन में अपना ब्लड चेंज करवाने जाना पड़ता है, क्योंकि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे फूड, अगर किडनी ना ढंग से काम कर रही हो तो हमारा ब्लड इम्प्योर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ों की वजह से किडनी की ये जो अनमेट डिमांड है इसके ऊपर ये एडिटोरियल आया है। राइटर ये कह रहे हैं कि दो तरह की चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, एक है किडनी स्वॉप। किडनी स्वॉप तब होता है जब मान लो कि दो स्ट्रेंजर्स हैं, सुनीता और जोया। ठीक, अब सुनीता के हस्बैंड जो हैं वो सुनीता को किडनी नहीं दे सकते, उनका ब्लड है AB पॉजिटिव। ठीक, जोया के हस्बैंड जो हैं उनका ब्लड है O पॉजिटिव, लेकिन जोया के हस्बैंड का ब्लड है O पॉजिटिव, राइट। अब सुनीता का ब्लड भी O पॉजिटिव है और जोया का जो ब्लड है वो AB पॉजिटिव है, तो सुनीता के हस्बैंड जोया को किडनी दे देंगे और जोया के जो हस्बैंड हैं वो सुनीता को किडनी दे देंगे। समझ में आया? तो इससे क्या होगा कि जो किडनी इनकम्पैटिबल हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप किडनी में मैच करना होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैच करनी होती हैं, अगर वो इनकम्पैटिबल है तो किडनी ट्रांसप्लांट ना होने की अवस्था में जहां दोनों के पति किडनी देने को तैयार हैं लेकिन ब्लड ग्रुप मैच ना करने की वजह से वो किडनी नहीं दे पाते, है ना। अब यहाँ पे ओ पॉजिटिव ब्लड है, ओ पॉजिटिव, और यहाँ पे जोया के हस्बैंड का AB पॉजिटिव ब्लड है। अब जोया के हस्बैंड किडनी देने को तैयार हैं लेकिन इनकी किडनी जोया के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो यहाँ पे AB पॉजिटिव है सुनीता का ब्लड ग्रुप लेकिन दोनों हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो ये इनको किडनी दे देंगे और ये इनको किडनी दे देंगे। तो ये हो गया किडनी स्वॉप। ये एक अच्छा तरीका है किडनी ट्रांसप्लांट को बढ़ाने का। हमारे इंडिया में जो कानून है वो ये कहते हैं कि अगर आपको किडनी देनी है तो आप नियर रिलेटिव होने चाहिए हो, क्योंकि किडनी का ये जो है स्मगलिंग चल रही थी पहले बहुत ज़्यादा, है ना। गरीब लोग अपनी दो किडनियाँ होती हैं, एक किडनी बेच देते हैं 40,00,000 50,00,000 रुपये में, लेकिन गरीब को सिर्फ 1,00,000 मिलता है, बाकी का पैसा नर्स, डॉक्टर और बाकी के लोग खा जाते हैं। इसलिए गरीब लोगों को क्या होता था कि सुलाते थे वो किडनी, वो आते थे पथरी निकलवाने स्टोन ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उनकी किडनी निकाल ली जाती थी। काफ़ी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, है ना। तो इस वजह से सरकार ने क्या किया कि किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी ऐसे कुछ हो रहा है तो उसके लिए कड़ी रेगुलेशंस ला दी कि किडनी डोनेशन सुनीता और जोया। जोया नाम हमने क्यों लिया यहाँ पे? सुनीता नाम हिंदू बता रहा है, जोया मुस्लिम नाम बता रहा है, ठीक है। तो यानी कि रिलेटिव नहीं है, अब इनके हस्बैंड भी मुस्लिम होंगे तो हिंदू मुस्लिम को नहीं दे सकता या नॉन रिलेटिव किसी स्ट्रेंजर को नहीं दे सकता। समझ में आई बात? मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि दोनों का रिलेटिव होना ज़रूरी है। रिलेटिव्स अगर नहीं होंगे, दोनों रिश्तेदार नहीं होंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, क्लियर। However, if Sunita's spouse is incompatible with Zoya and Zoya's spouse is compatible with Sunita, swap donations are possible. लेकिन legal chain की वजह से, legal कारणों की वजह से ये possible नहीं हो पाता। समझ में आया? तो दूसरा क्या है? Kidney chain. अब kidney chain में क्या है? एक person है सोनू जो एक altruistic donor है। altruistic मतलब इसको कोई पैसा वगैरह नहीं चाहिए, कुछ expectation इसकी नहीं है। अब सोनू डोनेट्स टू सुनीता एज्यूमिंग कंपैटिबिलिटी। मान लेते हैं कि दोनों के बीच में दोनों का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, यानी कि सोनू अपनी किडनी सुनीता को डोनेट कर सकता है, ठीक है। सुनीता की जो स्पाउस है, सुनीता के जो हस्बैंड हैं वो जोया को डोनेट कर रहे हैं, जोया का जो हस्बैंड है वो किसी और को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है,
ये किडनी चेन और किडनी स्वॉप दो तरीके हैं किडनी को डोनेट करने के। किडनी स्वॉप में क्या है कि एक होने वाले, एक किडनी देने वाले के लिए किडनी लेने वाला उसका कोई रिश्तेदार होना चाहिए, एक हाथ दे एक हाथ ले, है ना, यहाँ पे तो ये रिलेशन बन रहा है। लेकिन किडनी चेन में क्या है कि बिना किसी चीज़ के एक पर्सन सोनू ने एक अपनी किडनी डोनेट करके एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, राइट, कुछ इस तरह से ही आगे चलता जाएगा बिना कोई डिपेंडेंसी के। तो राइटर ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इस कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग, लगभग 1,75,000, ये 2021 का डेटा है, ठीक है, 2022 का डेटा देखें तो 2,00,000 लोग किडनी अवेलेबल ना होने की वजह से सूनर और लेटर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं, राइट, डायलिसिस चलता रहेगा इतना टाइम, लेकिन अल्टीमेटली दे हैव टू मीट डेथ। तो ऐसी सिचुएशन में क्यों ना इस अनअवॉइडेबल चीज़ को प्रमोट किया जाए, जो डूएबल है उसको किया जाए। सरकार को अपनी रेगुलेशंस को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया में ऐसे किडनी स्वॉप्स और किडनी चेन्स प्रमोट नहीं करे जा रहे, क्योंकि यहाँ पे लीगल बाधाएं रास्ते में आ जाती हैं, लीगल रोड ब्लॉक्स रास्ते में आ जाते हैं, और यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है जो मिस करते जा रहे हैं हम, जिसको मिस किया जा रहा है, राइट, समझ में आ गया ये पॉइंट। ओके, तो ये चीज को हमें प्रमोट करने की जरूरत है। अब आगे चलते हैं, स्वॉप और ये सारा कुछ देखोगे, एनेबल टू, किडनी स्वॉप क्या है, एनेबल्स टू इनकम्पैटिबल पर्संस, डोनर्स, डोनर रिसिपिएंट पेयर्स टू रिसीव कंपैटिबल किडनीज, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो हमारी कंट्री में क्या है, स्वॉप वगैरह जो है लीगली, स्वॉप ट्रांसप्लांट्स आर लीगली अलाउड इन इंडिया विद ड्यू परमिशन। अब यहाँ पे परमिशन लेनी होती है, बट ओनली नियर रिलेटिव्स आर अलाउड एज डोनर रिसिपिएंट पेयर। अब यानी कि मामी को, चाची को किडनी देनी होगी, अब चाची की किडनी अगर ख़राब भी नहीं है तो मामी कहाँ से दे दे, समझ में आया। बुआ को, चच्चू को किडनी देनी होगी, अब चच्चू की किडनी ख़राब ही नहीं है तो बुआ कहाँ से दे दें, और फूफा जी कहाँ से ले लें। फूफा जी की किडनी अगर ख़राब है और बुआ किडनी देना चाहती है, लेकिन बुआ की किडनी फूफा जी से मिलती नहीं, समझ रहे हो ना, हिंदुस्तान में रिश्तेदार इतने सारे होते हैं, लेकिन जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात आए तो रिश्तेदार कम पड़ जाते हैं, क्योंकि सभी की किडनी, किडनी स्वॉप के अकॉर्डिंग उसी समय ख़राब होनी चाहिए। अब उसी समय किडनी कैसे ख़राब करो, नहीं कर सकते, इस वजह से किडनी स्वॉप इंडिया में बहुत कम होता है। इसलिए राइटर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या डबल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस स्वॉप्स एंड डायरेक्ट डोनेशंस आर क्वेश्चनेबल। आप डायरेक्टली किडनी डोनेट कर सकते हो अपने रिलेटिव को, यदि एक बहन या एक भाई की किडनी ख़राब है तो बहन उसे किडनी दे सकती है, ठीक है। तो इसीलिए राइटर ये कह रहे हैं कि अगर एक बहन की किडनी ख़राब है, भाई की किडनी ख़राब है, तो बहन उसे डायरेक्टली दे सकती है, तो किडनी स्वॉप्स में ये डबल स्टैंडर्ड क्यों कि ये नियर रिलेटिव्स के बीच में ही होंगे, है ना। तो ऐसी रेगुलेशंस को ईजी करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक परिवार में इस लीगल रेगुलेशन की वजह से एक सदस्य चला जाएगा, और वो सदस्य के जाने के बाद वो फैमिली क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी, या हेडलेस फैमिली हो जाएगी, पिता नहीं रहेंगे या माता नहीं रहेंगी, राइट, वो आगे चल के और प्रॉब्लमेटिक होगा समाज के लिए। तो ऐसे किडनी स्वॉप्स वगैरह को अलाउ करने की ज़रूरत है, ठीक है। फर्दर, अनलाइक नेशनल, रीजनल एंड स्टेट लिस्ट्स, हर स्टेट में ना किडनी डोनर्स की लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसप्लांट के लिए, देयर इज़ नो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी। अब मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा कि जो हमारे यहाँ पे कारा है, चाइल्ड अडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं ना, उनकी एक नेशनल लिस्ट बनती है, चाहे कोई बच्चा पंजाब में हो, हरियाणा में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, वो केयरिंग्स पोर्टल पे पूरी की पूरी लिस्ट बनती है, जिनको बच्चे, जो भी बच्चे डिपॉजिट होते हैं, अनाथ बच्चे मिलते हैं मंदिर के बाहर या कहीं पे भी, कोई लड़की पैदा हुई तो मंदिर की सीढ़ियों पे कोई रख के चला गया, तो ऐसे बच्चों की पूरी नेशनल लिस्ट बनी हुई है। क्यों ना इसी तरह की लिस्ट किडनी डोनर्स के लिए बनाई जाए, एंड क्यों ना इसी कारा की तरह, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की तरह एक नेशनल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी बनाई जाए, ठीक है। दिस इज़ अगेन अ ह्यूज, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम लूज़ कर दे रहे हैं अपने किडनी पेशेंट्स को बचाने की, सिंस लार्जर एंड मोर डाइवर्स पूल्स मेक इट ईजियर टू फाइंड कंपैटिबल स्वॉप्स,
अदला बदली करने के लिए लार्ज पूल होना जरूरी है. देर आर ओकेजनल स्वाप्स इन इंडिया, देर आर ऑलमोस्ट नो किडनी चेंज. किडनी चेंज तो है ही नहीं कि एक के बदले आगे चलता जाए सिलसिला, ऐसा तो है ही नहीं. फर्स्ट इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट केरला इट इज़ इलीगल टू डोनेट अ किडनी आउट ऑफ एल्ट्रुइज्म. एल्ट्रुइज्म होता है डोनेट करना बिना किसी इकोनॉमिक बेनिफिट के, बिना किसी और बेनिफिट के. केरला में इट इज़ लीगल टू डोनेट किडनी आउट ऑफ एल्ट्रुइज्म. तो अगर एल्ट्रुइज्म नहीं होगा तो किडनी चेन स्टार्ट नहीं हो पाएगी. जैसे चेन रिएक्शन होता है ना, एक ने दी फिर दूसरे ने दी फिर तीसरे ने दी, तो वैसे ही किडनी चेन रिएक्शन होना चाहिए. एंड किडनीज फ्रॉम द डिसीज्ड और ब्रेन डेड पर्सन्स आर ओनली यूज्ड फॉर डायरेक्ट ट्रांसप्लांट्स. क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है किडनीज को स्टोर करने का. जो किडनीज डिसीज्ड पर्सन से मिलती हैं, ब्रेन डेड पर्सन से मिलती हैं. ब्रेन डेड पर्सन कौन होता है? ब्रेन डेड पर्सन का मतलब ये है कि जो पर्सन्स रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं लेकिन उनका दिमाग डेड हो जाता है, लेकिन बाकी का दिल और ये धड़कन थोड़ी देर चलती रहती है. अगर उनको सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उनके जो ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी, हार्ट एट्सेट्रा, लीवर एट्सेट्रा, उसको प्रिजर्व करा जा सकता है, उसको फ्यूचर में डोनेट करा जा सकता है. लेकिन किडनीज जो डेड पर्सन्स हैं, ब्रेन डेड पर्सन्स हैं, उनकी किडनीज भी प्रिजर्व नहीं करी जा पा रही. Lack of kidney chains is possibly an even bigger opportunity missed than swaps. While participating in swaps, families demand nearly simultaneous operation of all donors. ठीक है, families यही चाहती हैं कि हम क्यों अपनी kidney दें, पहले वो दें फिर हम देंगे. तो swap मुश्किल हो जाता है. तो chains जो हैं, kidney chain as compared to swaps involve significantly lower hospital resources and uncertainty for participants. अब राइटर ये कहते हैं कि इंडिया में जो लॉज है ना किडनी स्वाप्स या किडनी चेंज को गवर्न करने के लिए, वो सेलिंग अ किडनी के इल्ज़ाम के अंडर इनको बंद कर दिया गया है, अलाउ नहीं करती सरकार, क्योंकि इनकी ब्लैक मार्केट्स और ये सारा कुछ बनने लग जाता है. अब सरकार के अपने कंसर्न्स हैं. मैंने आपको बताया कि जब तक ये किडनी बैन कंट्री में नहीं लगाया गया था ना, तब तक बहुत सारे किडनी स्कैम रैकेट्स चल रहे थे. किडनी रैकेट, हॉस्पिटल में कोई पर्सन अपनी पथरी स्टोन की जांच करवाने जाता था, या कुछ लीवर का, या उम्बिलिकल कोड के लिए, किसी भी मर्ज के लिए गया पेट के दर्द के लिए, उसको किडनी का बहाना करके गरीब व्यक्ति को लटा के उसकी किडनी एक निकाल लेते थे. राइट, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है ना, इस वजह से सरकार ने बंद कर दिया. लेकिन अब क्या है, अब हमारी कंट्री में, मैं इस पर एक अच्छा सा सुझाव देना चाहूँगा, हमारी कंट्री में नेशनल हेल्थ डिजिटल रिपोजिटरी बनने जा रही है. ठीक, उसमें किस पेशेंट को कहाँ कौन से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उसका क्या इलाज किया गया, उनका पूरा रिकॉर्ड रहेगा. इससे हम ये ट्रेस कर पाएंगे कि किस हॉस्पिटल में ऐसा किडनी रैकेट या कुछ चल रहा है. तो लेकिन सिर्फ इस शक के अंडर कि किडनी बेची जाएगी, ट्रैफिकिंग होगी, इसके अंडर इन किडनी से जूझ रहे, किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों को मरने देना, सिर्फ इसलिए कि कोई किडनी बेच ना ले, कोई स्मगलिंग ना कर ले, 175,000 से 200,000 लोग जो किडनी समस्या से जूझ रहे हैं, उनको इलाज ना करने देना, अलाउड ना करना, ये गलत है. है ना, कंट्री की एक जिम्मेदारी बनती है अपने नागरिकों को बचाना. तो रिफॉर्म्स ऑफ किडनी एक्सचेंज लॉज हैव बीन स्लो. द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट है 1994 का, ठीक है, इस ये सारा कुछ रिकॉग्नाइज करता है ब्रेन स्टेम डेथ पर्संस वगैरह की किडनी को डोनेट, जो ब्रेन डेड पर्सन हैं उनकी किडनी, उनके हार्ट, उनके लीवर को डोनेट करने की अनुमति देता है. 2011 में अमेंडमेंट्स लाने की बात करी गई थी. ये पैरेंट एक्ट है, देखो इसको नोट कर लेना आप, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट. 2011 में स्वाप ट्रांसप्लांट्स को लीगलाइज किया गया था. एक नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी लाया गया था 2011 में, बट द नेशनल नेटवर्क रिमेंड अंडर डेवलप्ड इनिशियली. अकॉर्डिंग टू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू रूल्स 2014 में ये रूल लाए गए थे, स्वाप ट्रांसप्लांट्स आर अलाउड ओनली फॉर नियर रिलेटिव्स. गवर्नमेंट ने जो फरवरी 2023 में रिफॉर्म्स की बात करी है, इट अलाउज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द एज एंड डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स वाइल रजिस्टरिंग टू ऑब्टेन एन ऑर्गन. तो डोमिसाइल चाहे किसी का पंजाब का हो और वो साउथ में किसी को किडनी देना चाहता है तमिलनाडु में, तो भी वो कर सकता है. बट दीज रिफॉर्म्स लीव फंडामेंटल इशू ऑफ इनएडिक्वेट किडनी सप्लाई लार्जली अनएड्रेस्ड.
दिस इज़ वाई इट इज़ बेनिफिशियल टू अलाउ एंड इनकरेज ऑल्ट्रुइस्टिक डोनेशन ऑफ किडनी बिटवीन नॉन नियर रिलेटिव्स. ठीक है, और नॉन नियर रिलेटिव्स के जो डोनेशन स्वाप्स हैं, डोनेशन फॉर स्वाप्स है, उसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और किडनी एक्सचेंज के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी, ताकि किडनीज को प्रिजर्व करने के लिए अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर हो. ठीक है, अब यहाँ पे ये कहोगे कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ऐसी बात हो रही है, इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी साइट करे गए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स नाउ अलाउ अल्ट्रुइस्टिक डोनेशंस. स्पेन एंड यूके हैव नॉन नेशनल लेवल, हैव नॉन नेशनल लेवल रजिस्ट्रीज फॉर किडनी चेन्स एंड स्वाप्स, हैव नेशनल लेवल रजिस्ट्रीज. हमारे यहाँ पे भी नेशनल लेवल रजिस्ट्री होनी चाहिए, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं और जो लोग लेना चाहते हैं. US has especially made progress in facilitating thousands of swaps and chains. Spain even has international collaborations for kidney exchange. इंडिया का रियल चैलेंज ये है कि इन कंट्रीज से सीखा जाए और रेप्लिकेट किया जाए ऐसी चीज़ों को. अब इंडिया और कनाडा के ऊपर ही आर्टिकल है. ठीक है, फाइव आईज अलायंस को भी आज के डेली एडिटोरियल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कि कनाडा ने जो इंडिया के ऊपर आरोप लगाए हैं, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर ने उनको सिरे से खारिज किया है. हमारी सरकार ने ये कहा है कि हम इंटरस्टेट किलिंग्स के धंधे में नहीं पड़ते, हम ऐसी सरकार नहीं है, हम ऐसी कंट्री नहीं है. लेकिन कनाडा ने ये कहा है कि, राइटर का ये कहना है कि भाई कनाडा जो है अगर इतनी डेवलप्ड कंट्री है तो ऐसे तो आरोप लगाएगी नहीं. ठीक है, वाइल दोनों देशों में क्विड प्रो को कुछ ऐसा सा हो रहा है कि एक वीज़ा सर्विस सस्पेंड करता है तो दूसरा भी कर देता है, एक अपने डिप्लोमेट्स को बुला रहा है तो दूसरा भी बुला ले रहा है. लेकिन इस चीज़ों के बीच में राइटर का ये कहना है कि कनाडा जैसी कंट्री ऐसे तो कोई इल्ज़ाम लगाएगी नहीं, वहाँ पे इतना ज़्यादा वेरीफाइबल एविडेंस रहता है, ये सब रहता है. ठीक है, तो ये कहना कि कनाडा बेबुनियाद एलिगेशंस लगा रहा है, इंडिया को थोड़ा सोचना होगा कि अगर कनाडा हमें ये पुख्ता प्रूफ देता है उसके लिए कि निज्जर की किलिंग इंडिया ने करवाई थी, तो इंडिया को अपनी इमेज को साफ करने के लिए कनाडा को कोऑपरेट करना होगा. ठीक है, कनाडा अपने फाइव एलाइज को साथ में बुला के इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है. फाइव एलाइज कौन है? USA, UK, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ये सारी पांच आंखें हैं. इन्होंने पूरी वर्ल्ड को अपने ऊपर डिवाइड कर रखा है अपने बीच में, और ये आई रखती हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पे, राइट, सर्वेलांस करती हैं. तो इन कंट्रीज़ के थ्रू चाइना, कनाडा दबाव डाल रहा है इंडिया के ऊपर, प्रेशर माउंट कर रहा है कि आप ये प्रूफ को शेयर कीजिए. तो इंडिया को कोऑपरेट करना ही पड़ेगा इस विषय पे, अगर कनाडा कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस लेके आता है, अदरवाइज़ इंडिया की छवि बहुत ख़राब हो सकती है, राइटर का ये कहना है. कल जो एडिटोरियल आया था, एडिटोरियल 4 की बात कर रहे हैं, केयरिंग फॉर द ओल्ड, इंडिया मस्ट अट्यून इट्स पॉलिसीज़ टू इंश्योर दैट द एल्डरली लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. तो जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, उनके बारे में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का एडिटोरियल आया था, राइट, इसमें जो रिपोर्ट थी, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, उसमें ये कहा गया कि जो 60 साल से ऊपर की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी हमारी कंट्री में, फ्रॉम 10.5% एज ऑन जुलाई 2022 टू 20.8% और 34.7 करोड़ बाय 2050. 2050 तक हमारे यहाँ 20% लोग एजेड हो जाएंगे, विद 1 in 5 इंडिविजुअल सेट टू बी अ सीनियर सिटीजन, यानी कि एक में, पांच में से एक लोग सीनियर सिटीजन होंगे. देयर विल बी इम्प्लीकेशंस फॉर हेल्थ, इकोनॉमी, सोसाइटी, क्योंकि हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली कल्चर है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था. केरला और वेस्ट बंगाल में फॉर इंस्टेंस ग्रोइंग पॉपुलेशन है एल्डरली पॉपुलेशन की, जो अकेले रहते हैं, क्योंकि केरला के लोग भी दुबई, UAE, गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं, राइट, वेस्ट बंगाल के लोग भी माइग्रेट कर जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़. तो ये जो वृद्ध लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, ये अकेले रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में. लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बढ़ने के बाद बेटर वेज टू फाइट डिजीज़ आ गए हैं. ठीक है, एंटीबायोटिक्स आ गई, तरह तरह की बीमारियों के इलाज आ गए, तो इस वजह से काफ़ी कंट्रीज़ में फर्टिलिटी रेट भी डिक्रीज़ हो रहा है,
है ना, पहले लोग चार बच्चे पैदा करते थे, पांच बच्चे, दस बच्चे पैदा करते थे, उसमें से तीन ही बचते थे, क्योंकि कोई महामारी, कोई पैंडेमिक, कोई एपिडेमिक आता था, इतने सारे लोग ड्राउट में, फेमिन में, सूखा प्रभावित होने की वजह से मर जाते थे, खाने का अभाव होता था 1950s 1960s में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक तरफ नए बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, फर्टिलिटी रेट कम हो गया, ये मैंने कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में पूरा ये आर्टिकल समझाया था। ठीक है, विद इन दिस मैक्रो फिनोमिना देयर आर मायरियाड ऑफ अदर डेटा ऑफ इम्पॉर्टेंस, बहुत सारा और डेटा है, फॉर इंस्टेंस विमेन एल्डरली सिटीजन्स, फेमिनाइजेशन ऑफ एजेड पॉपुलेशन, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। तो ये जो मेरियाड ऑफ अदर डेटा है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, विमेन एल्डरली सिटीजन्स आउट नंबर देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 60 ईयर्स की एज पे अ पर्सन इन इंडिया मे एक्सपेक्ट टू लिव 18.3 ईयर्स, विच इज़ हायर इन द केस ऑफ विमेन एट 19 ईयर्स। जहाँ पे एक आम व्यक्ति 18.3 ईयर्स के लिए जिएगा, वहीं पे महिलाएं 19 ईयर्स जिएंगी कंपेयर टू मेन। मेन कितना जिएंगी, 17.5 ईयर्स। ठीक है, तो महिलाएं 19 साल जिएंगी। इस वजह से फेमिनाइजेशन ऑफ क्या हो रहा है, विडोहुड हो रहा है ना। तो अब इफ अ वुमेन इन इंडिया, फेमिनाइजेशन ऑफ एजेड पॉपुलेशन हो रहा है, इफ वुमेन इन इंडिया वर, जहां पे इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि 100 में से 18 ईयर्स की जो महिलाएं हैं ना, उसमें से 100 महिलाओं में से 24% महिलाएं ही इंडिया में काम करती हैं, बाकी की 76% अपने पति पे डिपेंडेंट होती हैं। राइट, अब ये 76 महिलाओं के पास इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ बचेगा नहीं, दे विल बिकम मोर वल्नरेबल इन दी ओल्ड एज। राइट, देयर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट इंटर स्टेट वेरिएशंस, मोस्ट स्टेट्स इन दी साउथ रिपोर्टेड अ हायर शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। अब रीजनल वेरिएशंस भी हैं, साउथ इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, तो ये भी एक और बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया। वाइल दी स्टेट्स विद हायर फर्टिलिटी रेट्स, बिहार और उत्तर प्रदेश में बच्चे पैदा करने की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, एक्सपेक्ट टू सी एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन टू उन बिहार और यूपी में, बावजूद इसके कि अभी फर्टिलिटी रेट कम नहीं हुआ है, बच्चे पैदा करने की तादाद कम नहीं हुई है, फिर भी 2036 में यहाँ पे भी एल्डरली पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो इंक्रीज़ है लोअर दैन द इंडियन एवरेज होगा, लेकिन इंक्रीज़ होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मोर दैन 2/5, यानी कि 40% ऑफ एल्डरली आर इन दी पुअर वेल्थ क्विंटाइल, यानी कि पुअर वेल्थ क्विंटाइल में पाए जाते हैं 40% एल्डरली लोग, पंजाब में 5%, क्योंकि पंजाब में लोगों के पास ज़मीन है ये सब है, और छत्तीसगढ़ में 47% जो गरीब वृद्ध लोग हैं वो क्या होंगे, गरीबी रेखा के नीचे वाले होंगे। ठीक है, ऑल्सो 18.7% ऑफ एल्डरली डू नॉट हैव एनी इनकम, अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज अमंग दी एल्डरली, रूरल पॉपुलेशन में एल्डरली पॉपुलेशन और भी ज़्यादा है, और वो लोग भी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, तो इनके चैलेंजेस मीट करने के लिए, चाहे वो फिजिकल चैलेंजेस हों या मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हों, बेसिक फूड एंड शेल्टर की रिक्वायरमेंट हो, इनकम सिक्योरिटी की बात हो सीनियर सिटीजन्स की, सोशल केयर की हो, अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच कि पूरे समाज को इसमें जुड़ना होगा। ठीक है, हम इनको सेग्रीगेट करके नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आज कोई एक एजेड है, कल जो आज जो जवान है वो कल बूढ़ा होगा, है ना। जेरियाट्रिक केयर, ये जो बूढ़े लोगों के लिए जो केयर होती है उसे जेरियाट्रिक केयर बोला जाता है। इट मस्ट बी फाइन ट्यून टू देयर यूनिक हेल्थ केयर नीड्स, देयर आर सेवरल स्कीम्स टारगेटिंग द एल्डरली, जैसे मैंने कल बताया था इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, बट काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है ना। तो और इनका जो प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी कम्बरसम होता है अगर किसी को साइन अप करना हो, तो ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा होता है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल हम चैट जीपीटी के बारे में काफ़ी सुनते हैं, बार्ड, क्लाउडे, पाए, है ना, ये सारे क्या हैं, जेनरेटिव आर्टिफिशियल पावर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब जो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें क्या होता है कि दो डेटा सेट्स को कंबाइन करके, लॉजिक लगा के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक लगा के कुछ नया प्रोड्यूस किया जा रहा है। समझ में आ रहा है,
यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जैसे मैंने बोला कि अलेक्सा या गूगल होम मेरे लिए ये करो, अलार्म लगा दिया कि आप ये काम करो। लेकिन जैसे हम कुछ टाइप करने लगते हैं तो जो पहले से हमने कीवर्ड टाइप किया होता है व्हाट्सएप पे, वो सजेस्ट करने लगता है, वहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटो करेक्ट एट्सेट्रा। लेकिन अगर पहले वाले सेंटेंस को देखते हुए कुछ नया आगे का सेंटेंस लिखने की क्षमता अगर आ जाए तो वो क्या हो गया, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या हो रहा है कि इसको रेगुलेट करने की बात हो रही है। पॉलिसी मेकर्स और साइंटिस्ट्स अक्रॉस दी वर्ल्ड ये परेशान हैं, ये इस क्वेश्चन से जूझ रहे हैं कि जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, बाकी की फॉर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लर्न करती है कि कैसे पास्ट डेटा के अनुसार एक्शंस लेने हैं, पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। राइट, इट क्रिएट्स अ ब्रांड न्यू कंटेंट, अ टेक्स्ट और एन इमेज, इवन कंप्यूटर कोड बेस्ड ऑन दैट ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग उसको दी गई है। इंस्टेड ऑफ सिंपली कैटेगराइजिंग और आइडेंटिफाइंग डेटा, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, एक नया कंटेंट बना सकती है, जेनरेट कर सकती है, इसीलिए जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जैसे आप कुछ अपने फ़ोन पे, कैसे जैसे आप अपने फ़ोन पे रिंग बज रही होती है, एप्पल का फ़ोन है या सैमसंग है, आप उसको रिंग होते हुए देखते हो, उसको ये पता लग जाता है कि आपने आई कॉन्टैक्ट किया, तो आपकी रिंग स्लो हो जाती है। कार के वाइपर्स बारिश होने पर अपने आप चलने लग जाते हैं, यहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि सामने से आ रहे रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग कुछ नया प्रोड्यूस करना। मोस्ट फेमस जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, चैट जीपीटी। आप इसको बोलो कि मेरे लिए एक यूपीएससी का आंसर लिखो, तो ये आपके लिए आंसर भी लिख सकती है, चैट जीपीटी आंसर लिख सकता है, एक चैट बॉट है। माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बैक किया था, ओपन एआई को, इन्होंने ये डेवलप किया है। तो एआई पावर्ड, द एआई पावरिंग इट इज नोन एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम मॉडल बोला जाता है इसको। लार्ज लैंग्वेज मतलब पूरा इंटरनेट पे जो भी डेटा दे रखा है उससे ये बेस्ट निचोड़ के निकाल सकती है, कुछ नया लिख सकती है। बिकॉज इट टेक्स इन अ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एंड फ्रॉम दैट राइट्स अ ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से ये लेती है अपनी डायरेक्शन, लेकिन ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स उसको लिख सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़े स्तर का खतरा बन के भी सामने आ रहा है। ठीक है, अब लीगल फ्रेमवर्क क्या है, हम आज इस एडिटोरियल में बात कर रहे हैं कि क्या इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन द यूएस कॉपीराइट लॉ, ह्यूमन सिर्फ इंसानों को ही कॉपीराइट होल्डर माना जा सकता है। जैसे मैंने अगर कोई बुक लिखी तो मैं उसका कॉपीराइट होल्डर हो जाऊंगा, एम लक्ष्मीकांत सर ने कोई बुक लिखी तो वो उसका कॉपीराइट होल्डर हो जाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली यूएसए में एआई जेनरेटेड वर्क्स को कॉपीराइट नहीं दिया जा सकता। अब इसमें चैलेंज पता है क्या आता है, इसमें चैलेंज ये आता है कि जब हम किसी चीज का क्रेडिट देना चाहते हैं, ऑथरशिप देना चाहते हैं, तो एआई जेनरेटेड कंटेंट को हम ऑथरशिप कैसे दें, और अगर ना दें तो जिस कंपनी ने इसे जेनरेट किया है, जेनरेटिव टेक्स्ट एआई बनाया है, चैट जीपीटी। ठीक है, अब एक ने बना दिया चैट जीपीटी, दूसरे ने बार्ड बना दिया। अब बार्ड अगर चैट जीपीटी का डेटा कॉपी करने लग जाएगा तो चैट जीपीटी उसके खिलाफ केस नहीं कर पाएगा, एक तो ये दुविधा है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑथरशिप ना देके आजकल हम अपने एम्प्लॉय से पूछते हैं कि आर्टिकल तुमने लिखा है, जो हमारी वेबसाइट पे आर्टिकल जाते हैं ना, हम उनको बोलते हैं ये आर्टिकल तुमने लिखा है। अब वो पता है कैसे बैठे होते हैं, इधर देखना जरा तुम्हें अच्छा लगेगा, वो ऐसे बैठे होते हैं, चैट जीपीटी को कमांड दे दिया, राइट एन आर्टिकल ऑन विमेन रिजर्वेशन बिल इन इंडिया। अब आराम से बैठा है वो कानों में ईयरफोन लगा के, और वो चैट जीपीटी पूरा उसका आर्टिकल लिख के दे रहा है। अब थोड़ी देर बाद जो आर्टिकल बन गया उसके बाद चेक करो, यार इतना अच्छा आर्टिकल, ये कल तक तो मार खा था और आज 30 मार खा हो गया। जो व्यक्ति काम कर रहा है वो पहले उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद वो इतना अच्छा कंटेंट राइटर हो गया, और वो थोड़े दिन के बाद बोलता है मुझे कंटेंट मैनेजर बना दो। समझ में आई बात? तो दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि इनको क्रेडिट कैसे दिया जाए, मतलब समझ में आया।
फनी है ना, सोच के देखो कि अब कैसे पता लगेगा कि भाई किसने क्या किया है। तो हम लोग रोबोटिक्स की एज में हैं, लेकिन इट इज़ पॉजिंग सम ग्रेव चैलेंजेस ऑल्सो। अब इंडिया की पोजीशन क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड कंटेंट पे, कॉपीराइट पे? इंडिया की पोजीशन एम्बिगुअस है, हमने कोई इस पर कोई दिशा नहीं ली। अभी एक रीसेंट केस आया था जिसमें ये एम्बिग्विटी, एम्बीवैलेंट पोजीशन इंडिया की बिल्कुल सामने आती है, जहाँ पे कॉपीराइट एप्लीकेशन फाइल किया गया एआई जनरेटेड वर्क के लिए। इनिशियली इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इंडिया में क्लियर गाइडलाइन जिस पे नहीं है, राइट? तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे आप खतरे भी देखोगे, इतना ज़्यादा डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है कि ये बेचारे वो ब्रिजभूषण के खिलाफ जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था ना दिल्ली में, ये अपना धरना प्रदर्शन करके बेचारी ये लड़कियां परेशान हताहत होके हताश होके वापस आ रही थी, और ये लड़का भी देखो पीछे मायूस बैठा है इनके पीछे, राइट? लेकिन डीप फेक लगा के, ये क्या है, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना, डीप फेक लगा के इन लड़कियों को ऐसे स्माइल करते हुए देखा गया जैसे ये वैलेंटाइंस डे से आ रही हूँ। इसके बाद ब्रिजभूषण, जिनके खिलाफ इन्होंने FIR वगैरह करने की गुहार की थी, उन्होंने ये कहा कि ये लड़कियाँ जो हैं हंसते मुस्कुराते हुए आ रही हैं, तो ये लड़कियाँ जानबूझ के उनको फंसाने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे डीप फेक के ज़माने में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह की कोशिशें की जा रही हैं। तो पहले यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स। यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देता है कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करने की ज़रूरत है, बट विद इन AI लैंडस्केप के दायरे में रहते हुए। ये यूरोपियन एक्ट जो है, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम पोटेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड हार्म, इंश्योरिंग दैट देयर राइट्स आर अपहेल्ड, तो लेवलिंग द प्ले फील्ड। और दूसरा, यूरोपियन यूनियन का जो एक्ट है वो प्ले फील्ड को लेवल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? बड़ी जो लार्ज टेक कंपनीज हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बार्ड निकाल दिया गूगल ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI बनाया, उन्होंने ChatGPT बनाया, तो यूरोपियन यूनियन में इसको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करा जा रहा है कि ये जो बड़ी टेक फॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ये सब हो, ठीक है, ये AI डेवलपमेंट में काफ़ी आगे हैं। बट एक्ट ये कोशिश कर रहा है कि और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट किया जा सके छोटी कंपनीज के लिए भी। दिस इन्वॉल्व्स द मेजर्स टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AI डेवलपमेंट विद इन अ सिलेक्ट फ्यू कंपनीज, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन, AI एक्ट जो यूरोपियन यूनियन का है वो ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखता है फॉर AI जनरेटेड कॉन्टेंट। स्पेसिफिकली उसमें यह लिखा गया है, लेबलिंग ऑफ AI जनरेटेड कॉन्टेंट मटीरियल एज सच, इट मैंडेट्स द लेबलिंग ऑफ AI जनरेटेड मटीरियल, यानी कि हर आर्टिकल जो AI जनरेटेड होगा उसके नीचे लिखा जाना चाहिए कि ये AI जनरेटेड है, ये किसी की कलाकृति नहीं है, ये किसी का आर्ट नहीं है, ये किसी का कॉपीराइट नहीं है, ठीक है? एंड रिक्वायर्स द समरीज ऑफ ट्रेनिंग डेटा यूज्ड, कौन सा डेटा AI जेनरेटेड टेक्स्ट में यूज़ किया गया था, यानी उसका जो बेस होगा ना, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्या करता है ये, लार्ज लैंग्वेज मॉडल अप्लाई करता है, ठीक है, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को यूज़ करता है, कौन से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को यूज़ किया गया, कौन से डेटा को यूज़ करके नया डेटा बनाया, नया कॉन्टेंट बनाया। जैसे अगर मान लो कि किसी ने AI टूल, जेनरेटिव AI टूल ऐसे बना दिया कि न्यूज़पेपर की समरी लिखो, और उस न्यूज़पेपर की समरी लिखते टाइम AI जेनरेटिव टूल ने द हिंदू न्यूज़पेपर को बेस बना लिया, तो द हिंदू को क्रेडिट देना पड़ेगा, समरी देनी पड़ेगी ट्रेनिंग डेटा की, कि द हिंदू से ट्रेनिंग डेटा यूज़ किया गया है। समझ में आया? EU में कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेज अब देखते हैं। EU में रिस्क बेस्ड अप्रोच है, यूरोपियन यूनियन में रिस्क बेस्ड अप्रोच लगाई गई है AI रेगुलेट करने के लिए। इसमें क्या यूज़ किया जाता है, डिलिनिएटिंग प्रोहिबिशंस ऑन सर्टेन AI प्रैक्टिसेस, रिकमेंडिंग एक्स एंटी असेसमेंट। अब यहाँ पे एक्स कुछ प्रैक्टिसेस पे क्या किया गया है, प्रोहिबिशंस ऑन सर्टेन AI प्रैक्टिसेस, प्रोहिबिशंस ऑन सर्टेन AI प्रैक्टिसेस। दूसरा, रिकमेंडिंग एक्स एंटी असेसमेंट फॉर अदर्स, यानी कि संभावना के बेसिस पे, रियलिटी पे नहीं, ठीक है, फॉरकास्ट के बेसिस पे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, अगर ये AI टेक्नोलॉजी को अलाउ करेंगे तो इसके ये दुष्प्रभाव, इसके ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, उस बेसिस पे असेसमेंट करके
एआई टेक्नोलॉजीज को अप्रूवल देता है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, एंड एनफोर्सिंग ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स फॉर लो रिस्क एआई सिस्टम्स। तो यूरोपियन यूनियन की जो अप्रोच है वो इस बात को पूरी तरह संज्ञान में लेती है कि इससे मल्टीफेसेटेड रिस्क हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एंड उनको मिटिगेट करने की कोशिश करी गई है। यूएस में रेगुलेटरी अप्रोच क्या है? यूएस में रिलेटिवली एक रिलैक्स्ड अप्रोच है, एआई सिस्टम्स को पनपने दिया जा रहा है, ठीक है, विच मे बी एट्रीब्यूटेड टू अंडर एस्टिमेटिंग दी। अब राइटर ये कह रहे हैं कि यूएसए को शायद ये लगता है कि इसके जो रिस्क हैं वो कम हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर इंडिया के मद्देनज़र इसे देखा जाए, इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है फॉर हॉरिजॉन्टल रेगुलेशंस एप्लीकेबल अक्रॉस द सेक्टर्स एंड वर्टिकल रेगुलेशन स्पेसिफिक टू डिस्टिंक्ट इंडस्ट्रीज। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एलेक्सा, एलेक्सा क्या है? मशीन लर्निंग है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एलेक्सा या फिर चैट जीपीटी या फिर व्हाट्सएप, ऐसे सभी सेक्टर्स के लिए हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस हो गई जो सभी सेक्टर्स पे बराबरी से लगेंगी। दूसरा वर्टिकल क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर सेक्टर में तह तक गाइडलाइंस घुस जाती हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, यानी कि व्हाट्सएप पे भी वही गाइडलाइन, चैट जीपीटी पे भी वही, बार्ड पे भी वही, और व्हाट्सएप फेसबुक सब पे वही। दूसरा जो है इन अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह की वर्टिकल रेगुलेशंस, क्लियर। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिए। डेटा प्रोटेक्शन बिल में इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया में रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लेजिटिमाइजिंग डेटा स्क्रैपिंग। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनीज है ना, ये डेटा को स्क्रैप करती हैं। स्क्रैपिंग मतलब उस पूरे डेटा को क्रॉल करा जाता है। जैसे मान लो ये एक कीड़ा है, ठीक, कोई भी इंसेक्ट है, ये ऑनलाइन क्रॉलिंग या स्क्रैपिंग डेटा की ऐसे करी जाती है कि आपके पूरे टेक्स्ट को पढ़ लेगा, ठीक, और उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ के इसमें से कोई एक नया टेक्स्ट जेनरेट कर सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं ना, उसको स्क्रैपिंग बोलते हैं। इंडिया में ज़रूरत है कि डेटा स्क्रैपिंग को लेजिटिमाइज करने वाला, लीगलाइज करने वाला एक कानून लाया जाए, क्लियर। तो व्हेन डेटा इज़ पब्लिकली अवेलेबल, तो जैसे हिंदू की वेबसाइट पे जो डेटा है उसको स्क्रैप करके, उसके पूरे डेटा को क्रॉल करके, स्कैन करके कुछ नया बना दिया, ठीक है। कॉरपोरेशंस फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉय ट्रेड सीक्रेट्स टू सेफगार्ड देयर एआई मॉडल्स। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो क्या करती हैं, ट्रेड सीक्रेट्स को एम्प्लॉय करती हैं ताकि उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कोई और कंपनी कॉपी ना कर ले, ठीक है। नेवरदलेस, और इनमें यह भी नहीं बताया जाता कि ट्रेनिंग डेटा क्या है, क्या ट्रेनिंग डेटा, जैसे चैट जीपीटी का ट्रेनिंग डेटा पूरा का पूरा गूगल है, पूरा का पूरा सर्च इंजन में जो डेटा स्टोर्ड है वो है, ठीक, इसीलिए उसका नाम क्या है, ओपन एआई या जो भी, ठीक, बनाने वाली कंपनी का। नेवरदलेस एआई सिस्टम्स हैव द पोटेंशियल टू कॉज सिग्निफिकेंट सोसाइटल हार्म। ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, कंपनीज को अपना डेटा डाइवर्ज करना पड़े, क्लियर, मतलब अपना पूरा जो मॉडलिंग है, सोर्स कोड है, उसको बताना पड़े। ट्रांसपेरेंसी, गारंटिंग ट्रांसपेरेंसी, कॉन्टिन्यू डायलॉग, अब ये सारी चीज़ें इसमें लिख रखी हैं। पब्लिक एजुकेशन इस पर करने की ज़रूरत है। पब्लिक एजुकेशन का मतलब क्या है? इनिशिएटिव टू एजुकेट पब्लिक अबाउट एआईज इम्प्लीकेशंस, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस शुड बी डेवलप्ड। तो ये चीज़ें हैं। नाउ अब न्यूज़ आर्टिकल्स पे आते हैं फटाफट से। अब आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन डिपार्ट्स। अब देखो इस आर्टिकल को, इस टॉपिक को मैं थोड़ा अच्छे से तुम्हें समझाना चाहूँगा। हम हमेशा ये बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री नहीं आनी चाहिए, हम हमेशा ये कहते हैं ना, लेकिन आप देखोगे भारत की जो साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद है वो स्पेशलिस्ट ने ही रखी, जैसे कि होमी भाभा, न्यूक्लियर डेवलपमेंट, न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का, ठीक, वो भी एक रिसर्च साइंटिस्ट थे, ठीक। फिर उसके बाद उनके बाद आ गए एपीजे अब्दुल कलाम, द ग्रेट ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम, राइट। फिर उसके बाद आए हमारे एमएस स्वामीनाथन सर, इतने सारे इंटरनेशनल एकोलेट्स, इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स इनको मिले हैं। ये भी 1967 में इन्होंने भी जो बुनियाद रखी वो भी एक स्पेशलिस्ट होने की तर्ज पे रखी। फिर इन्हीं के साथ नाम लेना होगा वाइट रेवोल्यूशन का, ऑपरेशन फ्लड का, किसने रखी, वर्गीस कुरियन, राइट, अमूल के फाउंडर वर्गीस कुरियन ने एक शुरुआत करी, तो इसलिए इंडिया मिल्क सरप्लस कंट्री आज कहलाता है। तो इन लोगों ने रिसर्च करी, ठीक। उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स 1991, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं ना
उन्होंने जो काम कर दिखाया वो जनरलिस्ट नहीं कर सकते, वो जनरलिस्ट नहीं कर सकते। हालांकि हमें सिविल सर्विसेज में आप जैसे होनहार बच्चों की, मेहनती बच्चों की, मेहनती लड़कों लड़कियों की ज़रूरत है, लेकिन स्पेशलिस्ट को भी उनका दर्जा देना होगा। मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये आपके एसे में काम आएंगे। फिर बात करते हैं ई श्रीधरन की। ई श्रीधरन सर ने क्या किया, मेट्रो मैन बोला जाता है इनको, राइट। फिर ऐसे ही वाटर मैन है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो वाटर कंजर्वेशन पे काम करते हैं, ठीक है। तो ई श्रीधरन सर ने मेट्रो का पूरा रोड मैप वगैरह जो डेवलप किया। हमने एपीजे अब्दुल कलाम सर का नाम ले लिया। फिर बात करते हैं सैम पिट्रोडा की। सैम पिट्रोडा सर कौन है, नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया था किसने, नेशनल नॉलेज कमीशन यूपीए सरकार ने, सैम पिट्रोडा ने। ये जो आज डिजिटल अकाउंट, आप डिजिटल केवाईसी, ये सारा कुछ जो भी डिजिटलाइजेशन देख रहे हो, ये इनका ब्रेन चाइल्ड था। ये भी आईटी सेक्टर में स्पेशलिस्ट हैं, ठीक। उसके बाद लास्टली हम बात करेंगे नंदन नीलेकनी की। तो UIDAI प्रोग्राम जो आज चल रहा है, आधार का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, देखो गालियाँ देने को, कमियाँ निकालने को, हर काम में कमियाँ हैं, है ना। लेकिन फिर भी ये जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो फील्ड एक्सपर्ट्स थे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने हमें सरकारी गलियारों में जब इनकी सर्विसेज को लिया गया, जब इनको गवर्नमेंट रेल्म में लाया गया, तो इन्होंने काफ़ी वो काम कर दिखाया जो शायद दशकों तक ना होते। तो इस ग्रेट पर्सनैलिटी के विदाई पे, देहांत पे, एम एस स्वामीनाथन के देहांत पे, पूरे देश को शोक भी है और गर्व भी है इस चीज़ का। अब आज इनकी हम बात करेंगे, हम भावुक ना होते हुए इनकी अचीवमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। अ पीरियड ऑफ रैपिड साइंटिफिक एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट इन मिड 1960s, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। आज हिंदू का हमें धन्यवाद करना चाहिए, हिंदू न्यूज़पेपर का, इन्होंने वो चीज़ें कवर करी हैं जो बाकी न्यूज़पेपर्स ने नहीं करी एम एस स्वामीनाथन सर के बारे में। तो ही वॉज द की आर्किटेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट एंड वर्कड इन क्लोज कोलेबोरेशन विद फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम एंड जगजीवन राम टूवर्ड सेफ गार्डिंग इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी। ये वो ज़माना था जब कैनेडा से हमें, यूएसए से हमें अनाज के लिए भीख मांगनी पड़ती थी और हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाती थी। तो हमें सेल्फ सफिशियंसी फूड ग्रेन्स में इन लोगों ने दिलाई, ठीक है। वट आर दी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, तो HYV क्या होते हैं, प्रोड्यूस द हायर वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप पर हेक्टेयर इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल वेरिएंट्स। दीज वेरिएंट्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल ब्रीडिंग स्टेप्स एंड बायोटेक्नोलॉजी विच इंक्लूड्स जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑल्सो। रिजल्टिंग हाई यील्डिंग वेराइटी जो आई, डिजीज रेजिस्टेंट थी वो, एंड इट हैड अ हाई टॉलरेंस टू कंडीशंस लाइक ड्राउट। कार्बन फिक्सेशन, यहाँ पे मैं चाहूँगा आप इस चीज़ को पढ़ो, समझो थोड़ा सा, ताकि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए किसी भोले शंकर को याद ना करना पड़े, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो भोले शंकर बुक अब पुरानी हो चुकी है, कॉन्टेम्प्रेरी पैटर्न्स के हिसाब से नहीं चल रही। नाउ कार्बन फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच क्रॉप्स कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर्स एंड स्टार्चेस मोस्टली थ्रू फोटोसिंथेसिस। ग्रास स्पीशीज जो यूज़ करते हैं इसमें C3 और C4 क्लासेज होती हैं, इसको नोट कर लेना। C3 पैथवे ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल इज स्लोअर इन कंपेरिजन टू C4 ऑल्सो कॉल्ड एज हैच एंड स्लैक पाथवे। C3 साइकिल कार्बन को फिक्स करता है ऐसे, जब टाइनी पोर्स होते हैं ना लीव्स के सर्फेसिस पे, जब उनको वो जो ओपन होते हैं। C4 क्या करता है, वाइल C4 अकर्स इन बोथ मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स दैट सराउंड द वीन्स ऑफ अ प्लांट मेकिंग फोटोसिंथेसिस मोर डिफिकल्ट। तो C4 के जरिए फोटोसिंथेसिस को डिफिकल्ट बना के एब्जॉर्ब करने की कोशिश, मतलब कार्बन को फिक्स करने की कोशिश की जाती है कि इससे ज़्यादा कार्बन एक प्लांट जो है एटमॉस्फेयर में ना छोड़े। तो जब किसी सेलिब्रिटी का देहांत होता है, किसी ऐसी महान शख्सियत का देहांत होता है, तो हमें उनके बारे में पढ़ना होगा। जैसे जब APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने जो काम किया है उनके बारे में पढ़ना होगा। जैसे APJ अब्दुल कलाम सर की जब डेथ हुई थी, तो ये पूछा गया एसे में, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, राइट। येस, वाटरमैन इज राजेंद्र सिंह, थैंक यू, राजेंद्र सिंह सर हैं, है ना। चलो इन्होंने कोई, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि पानी को बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये सरकारी गलियारों में आके इन्होंने काम किया,
गवर्नमेंट को ज्वाइन किया हैंड इन हैंड, ई श्रीधरन मेट्रो मैन, तो इन चीज़ों के ऐसे पूछे जाते हैं कभी, तो स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट, तो ये नाम वगैरह याद होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। रिसर्च ऑन C4 राइस प्लांट वॉज स्टार्टेड एट IRRI, तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहाँ कहाँ पे काम किया है, ठीक है, तो IRRI में, IARRI में, राइट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ों में। अब इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड का पहला फूड प्राइज 1987 में मिला था इन महान शख्सियत को। कभी कभी लगता है ना ये लोग भगवान के भेजे हुए थे जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से इंडिया को निजात दिला गए, एक तरफ होमी बाबा और दूसरी तरफ एम एस स्वामीनाथन सर और कई लोग, है ना, 1988 में। अब यहाँ पे समझोगे दूसरा अवार्ड, फटाफट से इनके अवार्ड्स देख लेते हैं। नोबेल पीस प्राइज विनिंग पुगवॉश कॉन्फ्रेंसेज, नोबेल पीस प्राइज विनिंग पगवॉश कॉन्फ्रेंसेज ऑन साइंस एंड वर्ल्ड अफेयर्स, अनदर फर्स्ट फॉर अ सिटीजन फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन। इनके टेन्योर में ही पुश्ड फॉर रिड्यूस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड टैकल्ड ग्लोबल हंगर अराइजिंग ड्यू टू सच कॉन्फ्लिक्ट्स। ग्लोबल हंगर अफ्रीकन कंट्रीज में खाने के लिए महामारी होती थी, पता है तुम्हें, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज विनिंग पगवॉश कॉन्फ्रेंसेज इन्होंने अपनी अगुवाई में करवाना शुरू किया था। इन्होंने हंगर इरेडिकेट करके ऐसी कई लड़ाइयाँ अफ्रीका और भुखमरी के चलते जो बाकी के कंटिनेंट्स में हो रही थी उनसे निजात दिलाई। देन उसके बाद joining the United Nations Millennium Projects, United Nations का 2000 ईयर का जो Millennium Project था 2005 में, इसको join किया सर ने, एम एस स्वामीनाथन सर ने, Projects Hunger Task Force, इन्होंने टारगेट डेवलप किए कि पावर्टी को कैसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है, हंगर को कैसे रिड्यूस किया जाए। 2017 से 13 तक इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, एक और महान शख्सियत ने, दूसरी महान शख्सियत को राज्यसभा में क्या लगाया, नॉमिनेटेड मेंबर। तो नॉमिनेटेड मेंबर होने की हैसियत से देखो एम एस स्वामीनाथन सर ने क्या किया, यहाँ पे विमेन फार्मर्स एंटाइटलमेंट बिल ला दिया, जो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आज हम डिस्कस करते हैं, इन्होंने उस चीज़ को रिकग्नाइज किया कि मर्द तो चले जाते हैं शहर की तरफ कुछ और लेबर की फिराक में, कुछ काम की फिराक में, लेकिन औरतें पीछे जो रह जाती हैं, ठीक है, उनका रोल फार्मिंग में बढ़ना चाहिए, ठीक है, ड्यू टू ग्रेजुअल माइग्रेशन ऑफ मेल फार्मर्स। तो आप ये सोचोगे कि बंदा रुका नहीं, कहीं पे भी बैठा दो, जिसको काम करना है ना उसको काम करना ही है। ऐसे ही तुम बनो, तुम शख्सियत, मोटिवेशन मैं इसलिए नहीं पढ़ता, तुम जब इन शख्सियतों के बारे में पढ़ते हो तुम्हें आग नहीं मिलती, मतलब एक मोटिवेशन नहीं मिलता कि भाई सोच के देखो, एक बंदा राज्यसभा का मेंबर लगाया, अभी देख लो रंजन गोगोई को क्या कर रहे हैं वहाँ, मतलब समझ रहे हो ना, जिनको लगना है। और विजय माल्या वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे भी शराब का क्वेश्चन उठा लेते थे, विजय माल्या लिकर बैरन, और ये वहाँ पे गए, इन्होंने वहाँ पे भी प्राइवेट मेंबर की हैसियत से एक बिल ला दिया। इन्होंने ये कहा कि महिलाओं को लैंड टाइटल्स मिलने चाहिए, अगर महिलाएं ही एग्रीकल्चर में देखभाल कर रही हैं पति की गैर मौजूदगी में, तो लैंड का टाइटल, पट्टा, ज़मीन उनके नाम पे होनी चाहिए, उनको क्रेडिट का एक्सेस मिलना चाहिए, उनको इंश्योरेंस फैसिलिटी किसान को, क्योंकि वो पति तो चला गया, अब पति नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी सरकारी स्कीमों में महिलाओं को कोई भी ऐसी इंश्योरेंस, कृषि विकास योजना या कोई भी ऐसी योजनाएं थी, ठीक है, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम्स थी, उनमें महिलाओं को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। तो इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए एम एस स्वामीनाथन सर ने इसको रिकॉग्नाइज किया। अब आगे देखोगे मैंने सारा कुछ इनकॉर्पोरेट किया है, बाकी चीज़ों देखो इमोशनल नहीं, हम लोग इंडियंस होते हैं ना इमोशनल होते हैं, हम यहाँ रोने धोने बैठ गए कितने अच्छे थे सर, इनकी अचीवमेंट्स को भी लिखना है। रैमन मैगसेसे अवार्ड 1971 में मिला, एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986, UNEP सस्कवा एनवायरमेंट प्राइज 1994, यूनेस्को गांधी गोल्ड मेडल 1999, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 1999, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फोर फ्रीडम्स अवार्ड 2000, राइट। तो इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए, अभी और भी हैं, ये तो कम लिखे हैं। अब इंडिया में आते देखो कितने अवार्ड मिले यहाँ पे, सोच के देखो तुम, राइट, एक मेडल मिलता है हम लोग खुश हो जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि ये वन डे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, फीलिंग मत ले लेना, राइट, कहीं जाके कल मेडल खरीद रहा हूँ मुझे भी मिले। सुनो इधर, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989, थ्री सिविलियन अवार्ड, तीनों के तीनों सारे पद्म भूषण विभूषण सब मिल रखे हैं इनको, राइट। तो ये चीज़ है, ही हैज़ बीन कॉन्फर्ड अपॉन ओवर 80 ऑनरेरी डॉक्टरेट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, ये हो गया। अब आगे चलते हैं,
कुकीज़ क्या होते हैं, आज हम टेक्नोलॉजी का दूसरा टॉपिक समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रीजेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने अभी बखूबी समझा। अब दूसरा टॉपिक है, जब आपको वेबसाइट पे किसी वेबसाइट पे जाते हो तो लिखा हुआ आता है कुकीज़, एक्सेप्ट कुकीज़, वी आर यूजिंग कुकीज़, कुछ ऐसा। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप वेबसाइट पे उसको ब्राउज़ कर रहे होते हो तो आपका बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं कि आपने उस वेबसाइट पे कितनी देर टाइम स्पेंड किया, कौन से आर्टिकल को आपने ज़्यादा पढ़ा, कौन से प्रोडक्ट को आपने देखा अमेज़न की वेबसाइट पे। फिर उस बिहेवियर की वजह से आपको रिफाइंड सर्चेस दिखती हैं। अगली बार जब आप अमेज़न पे जाते हो तो आपको दोबारा से वही प्रोडक्ट आपकी कार्ट में मिलते हैं जो आपने ऐड करे थे। क्यों? क्योंकि अमेज़न कुकीज़ यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। ऑनलाइन एक्सपीरियंस में, डिजिटल रेल्म में, ये कस्टमर के एक्सपीरियंस को कुकीज़ एनहांस भी करते हैं, ठीक है। ठीक है, द अनअज्यूमिंग बिट्स ऑफ कोड स्टोर्ड ऑन अ डिवाइस, ये आपके डिवाइस में स्टोर हो जाते हैं जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो या किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, तो वो सारा कुछ आपका मॉनिटर कर रहे होते हैं जितनी उन्होंने आपसे परमिशन ली है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम कुछ भी फ्री का मिलता है फटाफट से कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए जब हमारा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट फ्रेम किया जा रहा है, कर दिया गया है, इनफैक्ट रूल्स जो बनाए जा रहे हैं इन कुकीज़ को रेगुलेट करने की बात हो रही है, राइट। यहाँ पे कुकीज़ कैसे काम करते हैं, कुकीज़ एक्ट एज अ की टू सिक्योर मेंबर्स ओनली क्लब। जैसे कि आप क्लब बाउंसर रिकॉग्नाइजेज एक रेगुलर पैटर्न्स, जो क्लब में जाते हैं बार बार उनको क्लब का बाउंसर वेटर पहचानने लग जाता है, ठीक है, और उनको सीमलेस एक्सेस दे दिया जाता है कि हाँ आपके बाप का क्लब है एक तरह से, है ना। वैसे ही वेबसाइट आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, आपका बिहेवियर, आपके फेवरेट आर्टिकल्स कौन से हैं, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स अमेज़न पे ख़रीदते हैं, उस तरह की चीज़ें आपको दिखाता है। दिस मीन्स यू डू नॉट हैव टू रिपीटेडली एंटर योर क्रेडेंशियल्स एवरी टाइम यू रिविजिट अ साइट, मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर यूज़। वेबसाइट लाइक अमेज़न पे कुकीज़ आपकी प्रीवियस इंटरेक्शंस को याद रखते हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट्स यू हैव ब्राउज्ड टू परचेज यू हैव मेड, टू परचेजेज यू हैव मेड, जो आपने ख़रीदारी करी है उसको भी, और जो ऐसे आपने पेन ख़रीदा तो अगली, या आपने यूपीएससी के लिए कोई बुक सर्च करी एम लक्ष्मीकांत, तो आपको अपने आप ही वो कोई और इकोनॉमिक्स की बुक वगैरह दिखाने लग जाएगा, राइट। आर्म्ड विद दिस नॉलेज अमेज़न सर्व्स अप टेलर्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। अब देखो इनका फ़ायदा भी है लेकिन इनका नुकसान भी है। क्या नुकसान है कि आपकी प्रिवेसी का कहीं ना कहीं आघात हो रहा है, आपकी एज पता लग रही है, आप किस तरह की चीज़ें खरीदते हो वो पता लग रही हैं, तो आपको अगली बार उसी तरह की दूसरी चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि आप खरीदते ही रहो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो ये सारा कुछ है। नाउ व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कुकीज़, ये समझना थोड़ा। सेशन कुकीज़, सेशन कुकीज़ होते हैं जब तक आप उस वेबसाइट पर हो तब तक हैं, ठीक है, ओनली ड्यूरिंग योर ब्राउजिंग सेशन। जैसे ही आपने उस वेबसाइट को बंद कर दिया सेशन कुकीज़ उड़ गए, ख़त्म। परसिस्टेंट कुकीज़ होते हैं, आपके सिस्टम में स्टोर हो जाते हैं बुक मार्क्स की तरह, ठीक है, दे स्टे ऑन योर डिवाइस आफ्टर योर ब्राउजिंग सेशन एंड्स। अब इनको परसिस्टेंट इसलिए कहा जाता है, जब आप दोबारा से उस वेबसाइट को ओपन करते हो तो दोबारा से परसिस्टेंट कुकीज़ अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, दे आर हैंडी फॉर मोर पर्सनलाइज्ड वेब एक्सपीरियंस। तीसरा आता है, ठीक है, दो हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, व्हाट आर दी चैलेंजेस एसोसिएटेड। फर्स्टली प्रिवेसी कंसर्न्स अराइज एज कुकीज़ कुड ट्रैक योर ऑनलाइन बिहेवियर, तो विच ऑफन वाइल ऑफन हार्मलेस, जो ज़्यादातर हार्मलेस होता है लेकिन कभी कभी आपकी डिजिटल प्रिवेसी का आघात कर सकता है। सिक्योरिटी रिस्क है जब कुकीज़ आर इनएडिक्वेटली सिक्योर्ड। अब कुछ कुछ वेबसाइट बनाने वाले लापरवाही कर देते हैं, अपने कुकीज़ को सिक्योर अच्छे से नहीं करते, जिस वजह से साइबर क्रिमिनल्स के हाथ आपके पासवर्ड लग सकते हैं, ठीक है। थर्डली एरा ऑफ यूज़र कॉन्सेंट, अब एक सुबह हुई है, नई सुबह है ये, एरा ऑफ यूज़र कॉन्सेंट हैज़ डॉन्ड, नया सवेरा हो रहा है जहाँ पे प्रिवेसी रेगुलेशंस आ रही हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्रिवेसी एक्ट, जिसमें वेबसाइट्स को ये कहा जा रहा है कि आपको ब्राउज करने वाले यूज़र की अप्रूवल लेनी होगी बिफोर डिप्लॉइंग सर्टेन कुकी टाइप्स, रिजल्टिंग इन दोज समवेट लाइक अक्सम पॉपअप्स, जैसे बार बार इरिटेट करने वाले पॉपअप्स आते हैं ना, वी आर यूजिंग कुकीज़ गिव योर कॉन्सेंट, तभी आप वेबसाइट आगे ब्राउज कर पाओगे वरना नहीं, राइट। तो इस वजह से अगर जो कंपनीज अब कॉन्सेंट लिए बिना कुकीज़ इंस्टॉल करेंगी अपनी वेबसाइट में और आपका यूज़र बिहेवियर मॉनिटर करेंगी तो उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी,
ठीक है, इंडिया के नए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में वेबसाइट्स को ये कहा गया है कि आपको यूज़र का एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट लेना होगा फ्रॉम यूज़र्स प्रायर टू कलेक्टिंग और प्रोसेसिंग देयर पर्सनल डेटा. आपका डेटा प्रोसेस करने से पहले आपका कॉन्सेंट लेना होगा. इम्प्लाइड कॉन्सेंट का ज़माना था पहले, ये मान लिया जाता था कॉन्सेंट तो इम्प्लाइड है, एक्सप्लिसिटली लेने की ज़रूरत नहीं होती थी. ठीक है, अब यहाँ पे राइटर ने ये कहा है, फोर्थली थर्ड पार्टी कुकीज़ यूज़ करे जाते हैं जिसमें कि आप वेबसाइट किसी की है, अमेज़न की है, लेकिन वो आपका डेटा फिलिप्स को दे दे रहा है. वेबसाइट मान लो व्हाट्सएप की है, लेकिन आपका डेटा व्हाट्सएप बर्गर किंग को, मैकडोनल्ड्स को, उनको बेच दे रहा है. ठीक है, प्रॉम्प्टिंग मेनी वेब ब्राउजर्स टू कर्ब देयर यूसेज टू सेफगार्ड यूज़र प्राइवेसी. ठीक है, तो थर्ड पार्टी कुकीज़ होते हैं अपनी वेबसाइट पे किसी और के कुकीज़ इंस्टॉल करना. जैसे मान लो कि तुम एक बहुत ही फेमस वेबसाइट पे गए, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे फन अकेडमी की ऐड दे रखी है. ठीक है, अब फन अकेडमी की ऐड दे रखी है, वहाँ पे तुमने ब्राउजिंग करी, जो भी तुमने पढ़ा उसका डेटा तुम्हारा फन अकेडमी को बेच दिया. तो तुम अगले दिन कहीं जाते हो, वेबसाइट पे देखते हो, वहाँ पे फन अकेडमी की ऐड हो रही होती है. क्यों? और उसी आर्टिकल की ऐड हो रही आ रही होती है एनवायरनमेंट की या किसी चीज़ की, जो तुम उस वेबसाइट पे जाके देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने फन अकेडमी के साथ में टाई अप कर रखा है. ठीक, लास्ट, डेटा डेल्यूज जनरेटेड बाय मल्टीट्यूड ऑफ कुकी. डेल्यूज होता है फ्लड. डेटा फ्लड जनरेटेड बाय मल्टीट्यूड ऑफ कुकीज़ कैन पोटेंशियली क्लॉग योर ब्राउज़र. इसलिए जब आपका वेब नेट की स्पीड स्लो हो जाती है तो आपको कई बार कंपनी वाले या कोई बोलते हैं ना कि आप अपना क्रोम ब्राउज़र, आप अपना वेब ब्राउज़र दोबारा से इंस्टॉल कर लो, क्योंकि इतने ज़्यादा कुकीज़ हो जाते हैं, उनको मॉनिटर करने में टाइम लगता है. अब वो इतने ज़्यादा कुकीज़ मॉनिटर करने में टाइम लगाते हैं तो इस वजह से आपकी डाउनलोड या अपलोड स्पीड स्लो हो जाती है. ठीक, अब फाइव आइज अलायंस क्या है ये हम सबको पता है. ठीक है, आज ये आर्टिकल आया था, बस मेरे को तुम्हें यहाँ पे ये वर्ड बताना है, सिगिंट. ठीक है, यहाँ पे क्या है, सर्विलांस बेस्ड एंड सिग्नल इंटेलिजेंस. तो सिग्नल्स इंटेलिजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है सिगिंट. ठीक है, सिगिंट, सिजिंट, जो भी बोलोगे. अब इसके कौन कौन मेम्बर्स हैं, यूएसए, कैनेडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए. तो ये पाँच ग्रुप्स ने अपने बीच में डिवाइड कर रखा है कि इस कॉन्टिनेंट को ये सर्वेलांस करेगा, इस कॉन्टिनेंट को ये, और इस कॉन्टिनेंट को ये. तो अभी ये न्यूज़ में चल रहा था इसी के चलते. अब एक और चीज़ पे आते फटाफट से, ये आर्टिकल्स कवर करने. मनरेगा में ना सोशल ऑडिट होता है. सोशल ऑडिट में क्या होता है कि ग्राम पंचायत को ये अनुमति होती है कि वो किसी भी पंचायत, किसी भी एनजीओ को एसोसिएट करके ये चेक करे कि पैसा जो है कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा. ठीक है, रिकवरी डाली जाती है फिर. लेकिन इसके लिए जो सोशल ऑडिट यूनिट बनाया गया है वो काफ़ी सारी स्टेट्स में उसको लकवा मार गया है. मतलब समझ रहे हो, मनरेगा का सोशल ऑडिट यूनिट ठीक से काम नहीं कर रहा है. सोशल ऑडिट यूनिट करता क्या है, जो मिस अप्रोप्रिएशन हुई है पैसे के आवंटन में, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी डालता है कि जिस सरपंच ने, जिस वीडीओ ने, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ने, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने मनरेगा का पैसा इधर उधर किया है, उससे पैसा रिकवर किया जाए. रिकवरियां भी कम हो रही हैं, रिकवरीज भी कम हो रही हैं, 13.8% से 20.8% हो रही है. यानी कि अगर किसी सरपंच ने और विलेज ब्यूरोक्रेसी ने मिल के, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ने मिल के मनरेगा के 10 लाख रुपए खा लिए हैं, तो उसमें से सिर्फ 1,38,000 या 20 या 2 लाख रुपए ही रिकवर हो पा रहे हैं. ठीक है, तो अब ये सोशल ऑडिट यूनिट क्या करता है, सोशल ऑडिट यूनिट एनजीओ को सोशल ऑडिट में शामिल करता है और लोगों को मनरेगा में हुई खामियों के बारे में पंचायत को बताता है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है कि इतना इतना पैसा इधर उधर हुआ है. लेकिन ये सोशल ऑडिट यूनिट अभी काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सोशल ईच स्टेट. अब यहाँ पे देखो, सेक्शन 17 को आप नोट कर लोगे. सेक्शन 17 ऑफ मनरेगा एक्ट गवर्निंग द स्कीम सेज दैट ग्राम सभा शैल मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स. हर स्टेट को सोशल ऑडिट यूनिट एस्टैब्लिश करना होगा जो कि इंडिपेंडेंटली काम करेगा, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी से हटके काम करेगा. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा. ठीक, तो सोशल ऑडिट यूनिट्स को डिफंक्ट कर दिया गया है. क्यों? उनको पैसे नहीं दिए जा रहे. मनरेगा में जो एनजीओस ऑडिट करती हैं, कुछ एनजीओस बहुत ही कम दाम पे करती हैं, कुछ फ्री में, कुछ थोड़ा सा पैसा लेती हैं, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे.
ठीक है, ब्लीक पिक्चर इमर्ज्ड एट द सेमिनार ऑफ द फंड स्टाफ सोशल ऑडिट यूनिट्स वर्किंग विदाउट ट्रेनिंग और एडिक्वेट पर्सनल. सोशल ऑडिट यूनिट का रोल ये होता है कि ऐसे केसेस को लाल झंडी दिखाना कि जहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसे कि जहाँ पे मटेरियल ज़्यादा लिया गया. मनरेगा में मटेरियल टू वेजेस रेशो है 49:51 थैंक्स टू नितिन गडकरी. ठीक, पहले ये 40-60 होता था कि मटेरियल 40% और वेजेस 60%, लेकिन मटेरियल जैसे अंबुजा सीमेंट सरिया अब ये मनरेगा में यूज़ होने लगा है ताकि हम ड्यूरेबल एसेट्स बना सकें. ये बात अच्छी भी है और बुरी भी है क्योंकि मनरेगा एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है. अगर इसमें ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया जाएगा तो दिक्कत है. तो मैल प्रैक्टिसेस किस तरह की होती हैं, जैसे ठेकेदार को ठेका दे दिया काम का. मनरेगा में सीधा सीधा लिखा है कि ठेका देना मना है, ठेकेदारी नहीं चलेगी, मजदूरों को नौकरी मिलनी चाहिए. ठेकेदार नौकरी नहीं देगा, ठेकेदार उनका मजदूरी खा लेगा. ठीक, हैवी मशीनरी क्रेन वगैरह का यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं तो उन पे नज़र रखने के लिए सोशल ऑडिट यूनिट बनाया जाता है, लेकिन सोशल ऑडिट यूनिट को खुद ही को पैसा नहीं दिया जा रहा. ठीक है, तो इस चीज़ को हाईलाइट किया गया सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च सफ़र. सफ़र ने बताया कि मनरेगा कर रही है सफ़र. डन. सो ये हो गया करेंसी अकाउंट डेफिसिट. जो हमारा है भारत का वो वाइडन हो रहा है. मतलब करेंसी अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, देखो हम जब कंट्री जो है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स करती है, अगर कंट्री के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर इंपोर्ट्स सिर्फ ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट्स के मुकाबले एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, ये आ जाता है ट्रेड डेफिसिट. ठीक है, अब ये ट्रेड डेफिसिट जो है, अगर ओवरऑल कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ट्रेड डेफिसिट भी कम है, ट्रेड डेफिसिट है एक तो, और ऊपर से हमारे यहाँ जो पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है फॉरेन से, और जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं इनकम के मुकाबले, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आता है. ठीक है, तो मेजर कारण इंडिया के केस में करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या होता है, इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हैं इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं. इस वजह से ये ट्रेड डेफिसिट हमारा एक्सपेंडिचर साइड पे पैसा जाता है, हमारे डॉलर्स जा ज़्यादा रहे हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से और आ कम रहे हैं. गॉट इट. सो दिस इज़ द रीज़न. तो ये था हमारा आज का कंप्लीट डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा इतने सारे आर्टिकल्स वगैरह जो आ रहे हैं, राइट, डाइवर्सिफाइड नेचर के आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए आई एम श्योर कि सब स्टूडेंट्स को अच्छा लगता होगा कि हाँ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं. बट आपसे एक गुजारिश ये है कि इनके नोट्स बनाते रहें, डू मेक नोट्स, और जो भी चीज़ें मैं एडिशनल बता रहा हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स के बारे में, उनको नोट कर लें, कहीं ना कहीं काम आएगा ऐसे पेपर में या इंटरव्यू में. ये चीज़ें काम आती हैं कि स्पेशलिस्ट अच्छे हैं या जनरलिस्ट अच्छे हैं, तो ऐसी चीज़ों का आंसर करने में आपको मदद मिलेगी. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट गाइज़.